हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम एनिमे की स्टोरी को समझेंगे और एनिमे का रिव्यू करेंगे। और तुम लोग, हाँ तुम लोग ये बताओगे कि ये एनिमे किस लेवल का एनिमे है, मतलब ये एक एवरेज एनिमे है या एक लेजेंडरी एनिमे। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं आज की स्टोरी, क्लासरूम ऑफ एलिट सीजन 2। हाँ, मुझे पता है कि तुम में से बहुत लोगों ने ये एनिमे देख लिया है, बट फिर भी मैं शॉर्ट में इसकी स्टोरी सुना देता हूँ, ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें पता चल जाए और मुझे थोड़ा सा वॉच टाइम मिल जाए। तो जैसा तुम लोगों ने सीजन 1 में देखा कि आइनोकोजी अपना हीरो कैसे आइलैंड पर क्लास डी को जीत दिलाता है और इससे रुएन की चड्डी फट जाती है, और इसी सीजन 1 में ही पता चल जाता है कि आइनोकोजी इंसान नहीं है, कुछ तो है बस इंसान नहीं है। इतना खतरनाक हीरो बहुत कमी है एनिमे हिस्ट्री में। बाकी सीजन 1 पर अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, 100 कमेंट हो गए तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो अब आता है सीजन 2, द गॉड सीजन एवर, जहां बहुत सारे एनिमे अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के चक्कर में सीजन 2 का ग्राफ नीचे गिरा देते हैं, वहीं इस एनिमे ने अपने ग्राफ को डबल नहीं ट्रिपल कर दिया है सीजन 1 के मुकाबले। तो अब थोड़ी इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो आइलैंड वाले टेस्ट के बाद सारे स्टूडेंट स्कूल वापसी के लिए एक क्रूज पर होते हैं, पर तुम तो जानते हो स्कूल वालों को चुल मचती है और ये लोग यहीं पर ही टेस्ट करा लेते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कुशीदा की असली सच्चाई। क्या खतरनाक लड़की है यार, मुझे पहले से ही शक था इस पर। जैसे इसके पास्ट के बारे में पता चलता है, उस टाइम दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, यार इसको निकलवाओ स्कूल से बस। और दूसरी तरफ अपनी छुई मुई प्रिंसेस कारुइजावा बुली होती रहती है, और अपना हीरो इससे सीधे सीधे नहीं बचाता, वो पहले उसे बुली होने देता है और सब कुछ होने के बाद जाता है। आइनोकोजी यार, और अपना हीरो क्या मस्त बोलता है, तू टेंशन मत ले मैं तेरे को बचाएगा, लेकिन तुझे मेरा काम करना होगा। और बाद में हमें ये भी पता चलता है कि ये बुली वाला कांड उसने ही करवाया था ताकि वो कारुइजावा का यूज कर सके। कितना बैडस बनेगा रे आइनोकोजी। इतने में यहाँ स्पोर्ट डे वाला टेस्ट आ जाता है, तक होरिकिता को भी कुशीदा की असलियत के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है, और दूसरी तरफ कुशीदा भी रुएन से हाथ मिला लेती है और होरिकिता को फंसवा देती है। यार मतलब क्या चालू लड़की है। पर हर बार की तरह अपने हीरो को सब पता होता है और वो बस एक मैसेज करता है और रुएन की चड्डी गीली हो जाती है। फिर क्या, होरिकिता बच जाती है और कुशीदा को आग लग जाती है। यहाँ यह सब खत्म होता ही है और स्कूल वाले एक और टेस्ट रख देते हैं, सांस तो लेने दो यार, जहाँ कुशीदा होरिकिता को डायरेक्ट चैलेंज करती है। और चैलेंज ये होता है कि अगर वो टेस्ट में फर्स्ट आती है तो होरिकिता और आइनोकोजी को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अब तुम तो कुशीदा को जानते ही हो, वो फिर रुएन से हाथ मिला लेती है, अपनी क्लास के क्वेश्चन पेपर रुएन को दे देती है और बदले में उनकी क्लास के क्वेश्चन पेपर ले लेती है, और उसे लगता है कि वो फर्स्ट आ गई। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट और होरिकिता जीत जाती है, और फिर पता चलता है कि अपने हीरो ने पहले ही गेम खेल दिया था। कुशीदा की इस बात से वाट लग जाती है और रुएन जो है वो मास्टरमाइंड को खोजता रहता है। फिर अचानक से एक आदमी स्कूल में आता है और हमें पता चलता है कि ये तो आइनोकोजी का बाप है। उसका बाप आता है उसे लेने, पर आइनोकोजी साफ मना कर देता है, मैं नहीं जा रहा। और तब उसे पता चलता है कि बाप के आड़ में उसके टीचर ने उससे गेम खेला है। टीचर को पड़ी है क्लास डी को क्लास ए में बदलने की, और ये सब पता चलते ही आइनोकोजी की सनक जाती है और वो तो बोल देता है मैं नहीं कर रहा मदद किसी की। अब इसके बाद वो कारुइजावा को कॉल करता है और कहता है सब कुछ गेम वेम खत्म हो चुका है तो अब उसका नंबर डिलीट करते हैं, लेकिन ये तो अपना ही रहे इतना तो बोलेगा नहीं। तो उससे वो ये भी कहता है कि जब भी उसको उसकी मदद की जरूरत होगी वो आएगा, और ये सब बोलने के बाद वो फोन काट देता है। लेकिन दूसरी तरफ रुएन जो है एक प्लान बनाता है और उसके इस प्लान में कारुइजावा फंस जाती है और वो पहुंच जाती है आइस चैम्बर में, और यहाँ पे खत्म होता है सीजन 2 का 11 एपिसोड। बट जो 12वां एपिसोड है वो मेरा फेवरेट है, मतलब रुएन उस कोल्ड चैम्बर में कारुइजावा पे पानी डालता रहता है, कारुइजावा रोती रहती है, और हमारे दिमाग में आता है कि आइनोकोजी भाई आ जा यार। रुएन कारुइजावा से बार बार पूछता है कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन वो नहीं बताती है, वो बुली होती रहती है लेकिन नहीं बताती है। क्या लड़की है यार, क्या मस्त लड़की है यार। और वो बेहोश होने वाली होती है और उसे भी लगता है कि आइनोकोजी नहीं आएगा, लेकिन तभी आइनोकोजी कोल्ड चैम्बर में एंटर करता है और ऐसा लगता है कि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये वाला डायलॉग बोलेगा, होरिकिता का कारुइजावा का सबका बदला लेगा तेरा ये आइनोकोजी। और अगर इस एनिमे का हिंदी डब हुआ और इस एपिसोड का भी हिंदी डब हुआ तो ये वाला डायलॉग तो होना ही चाहिए यार यहाँ पे। फिर रुएन बोलता है तू शेर की गुफा में आया है, तू बच के नहीं जाएगा, आ जाए रखो जी। फिर अपना हीरो क्या डायलॉग बोलता है यार,
तुम चारों के बस की नहीं है मुझे रोकना। फिर क्या, आइनोगोजी जो इन्हें कुत्तों की तरह मारता है भाई साहब। और जो रुएन की छाती पर बैठ के उसने उसके मुंह पे घुसे मारे हैं, आहा क्या मजा आया भाई साहब, क्या मजा आया। मैं तो तृप्त हो गया, ऑर्गेजम आ गया भाई। इन एपिसोड 13 में मुझे रुएन के लिए बुरा लगा यार, इतना बैडेस विलन अब कैसा हो गया है यार। बाकी सीजन 3 के लिए तो आइनोगोजी ने ऐलान कर ही दिया है, उशीडा जाने वाली है स्कूल से बाहर। बाकी अपना हीरो रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहा है, देखते हैं सीजन 3 में क्या कारुइजावा के साथ उसकी सेटिंग हो पाएगी। बाकी मेरा एनिमे एक्सप्लेनेशन एंड स्टोरी टेलिंग तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार। बाकी तुम लोग कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्लासरूम ऑफ एलिट सीजन 2 कैसा लगा और स्पेशली आइनोगोजी की फाइट कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को शेयर करके चैनल को सपोर्ट करो यार। बाय।